मैं अपने गांव खंडेला में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री वजीर सिंह डांडा जी का पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अध्यापक दिवस पर सभी अध्यापकगण को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ रिस्पेक्टेड बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, एसएमसी मेंबर्स और मेरे छोटे बड़े सभी आदरणीय स्टाफ मेंबर्स, लेडीज जेंट्स, आज बहुत ही शुभ दिन है 5 सितंबर, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया। और हमारे गांव कंडेला के, जिसमें हम सब जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंडेला के सम्मानित व्यक्तियों ने, जैसा कि अभी जिक्र चला कि वजीर ढांडा जी आप की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी से इनका कोई वो लेना देना नहीं है, ये आज हमारे स्कूल में हम शिक्षकों को एक समाज सेवी होने के नाते या ये हमारा सम्मान करना चाहते हैं, इन्हें हमारे में खूबी दिखी होगी। मैं इनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज के दिन इन्होंने मेरे स्टाफ को मुझे यहाँ पर सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया। और मैं अपने स्टाफ से भी यही आशा करती हूँ, अभी अभी बीओ की मीटिंग अटेंड करके आई हूँ, जैसा कि उन्होंने कहा एकदम से कि मैडम आपके पास तो टीम की कमी ही नहीं है, साइंस की फैकल्टी भी बहुत सारी है जो कि कंप्यूटर चलाने में सक्षम है, मैथ्स वगैरह सभी इंटेलिजेंट हैं, तो आपका ई अभिगम का काम अपूर्ण नहीं रहना चाहिए। तो मैंने भी उनको आश्वासन दिया और वास्तव में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा छोटा बड़ा हर स्टाफ मेंबर बहुत ही रिस्पेक्ट के सच में काबिल है, काम कर रहा है। और इसके साथ साथ मैं पुनः आए हुए अतिथियों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने आज का दिन हमारे स्कूल में आने के लिए चुना और हमें कृतार्थ किया। धन्यवाद। मुझे प्राउड फील हो रहा है आपके बीच आकर। और मोहन जी ने भी, मैडम ने भी कहा कि मैं रियलिटी टीचर बन के आया हूँ, पार्टी पुलटी का कोई मामला नहीं है। शिक्षा पर तो मेरा क्वेश्चन है, कहीं मेरी वीडियो सुन लो कि डांडा साहब वहां आए थे, वहां तो कुछ और बोल रहे थे, वीडियो में कुछ और। शिक्षा सिस्टम पे मेरा क्वेश्चन बहुत बड़ा है हरियाणा में। और मैं टीचर को सैल्यूट करता हूं क्योंकि आपने ना अपने टेस्ट पास करके यहां बैठे, आपके जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, चाहे वो एच टैट हो, सी टैट हो, यानी कि मैं मानता हूं हमारे से बेहतर मानता हूं, हमारे से वो क्लियर नहीं होता भी तो नहीं, नहीं तो हमारा टीचर भी तो यहां आना चाहता है, हमारा 100% टीचर यहां आना चाहता है ना। इसका मतलब आपकी योग्यता पर कोई क्वेश्चन नहीं है, आपकी योग्यता हमसे बेहतर है, बेहतर है। पर कारण क्या है कि जब कोई डायरेक्टली चीज जुड़ी हो एक इनडायरेक्ट से, मैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को भी बोलता हूं कि ये बच्चों है ना, इन बच्चों के कारण आपकी सैलरी है, ये बच्चे हैं तो आप हैं, अगर ये बच्चे नहीं है तो आप। मुझे इतना आदर मान दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूं। सभी स्टाफ एवं बच्चों की जो कुछ देर के लिए हमने तकलीफ देखी है यहाँ, तो इसी तकलीफ को ध्यान में रखते हुए कुछ तकलीफ है। कुछ साल पहले हमारे जो पंजाब सिंह जी थे प्रिंसिपल शायद, तो उन्होंने हमारे सामने रखी थी, तो उनमें हमें क्या खूबी दिखी वो तो शायद उन्हीं को मालूम था। तो पंजाब सिंह जी ने मुझे और ईश्वर सिंह जी को यहाँ विद्यालय में बुलवाया था, तो उन्होंने ये कहा भाई स्कूल के अंदर जो बरसात होती है तो पानी इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, ना तो बच्चे अंदर जा सकते ना टीचर अंदर जा सकते। तो हमने जो पंचायत से भी अनुरोध कर लिया, जो गांव के यहाँ एसएफसी कमेटी उसको भी अनुरोध कर लिया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। तो उन्हें घर से हमें दोनों को स्पेशल बुलाया था यहाँ, तो मैं सर फिर हम क्या कर सकते हैं, हम तो ना तो कोई मतलब के पंचायत मेंबर हैं, ना कोई सरपंच है, ना कोई ऐसी पावर के हमें मतलब इस चीज़ को ठीक कर सकें। तो उसने ये कहा तब मैंने आप दोनों पर विश्वास है, भाई कहीं से भी करो कैसे भी करो तो इस समस्या का समाधान करो। तो हमने कहा ठीक है सर, हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन मतलब कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो हमने प्रयास किया, तो उसके साथ गांव ने भी हमारा बहुत सहयोग किया, यहाँ स्कूल से भी सहयोग मिला। तो अब एक हम जो मेन समस्या देख रहे हैं वो है लाइट की, लेकिन गारंटी तो हम देते नहीं क्योंकि गारंटी देने का हमारी औकात नहीं है। तो हम 99% गारंटी इस चीज़ की देते हैं कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ एक साल के अंदर अंदर या तो 24 घंटे लाइट का प्रबंध करवाएं या 10 किलोवाट सोलर पैनल का मतलब हम यहाँ प्रयास करेंगे।